गुड इवनिंग, नमस्कार दर्शकों, मैं कृति वढ़ेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 1 से 12 पर। ये जो समय है ये वेबिनार का समय है जहाँ हर रोज शाम में हम विभिन्न आईसीटी टूल्स पर चर्चा करते हैं ताकि इस पैंडेमिक के समय में भी आप घर बैठे नए नए आईसीटी टूल्स सीखते रहें और अपने एजुकेशन में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकें आईसीटी टूल्स के जरिए। आज ऐसे ही एक आईसीटी टूल पर चर्चा करेंगे, H5P टूल की बात की जाएगी, कोर्स प्रेजेंटेशन कैसे इसमें करना है। और एक बहुत खास मेहमान आज हमें इस वेबिनार के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं परिचय कराना चाहूंगी आप सभी से श्रीमान प्रदीप नेगी जी का। आप नेशनल आईसीटी अवार्डी हैं और समय समय पर पीएमई विद्या के साथ जुड़कर हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। प्रदीप नेगी जी, आज के वेबिनार के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और कीर्ति मैडम आपको भी हमारा नमस्कार। जी बिल्कुल, और हमारी टेक्निकल टीम इस पैंडेमिक के समय में भी, प्रदीप जी आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपका हमें साथ मिल रहा है घर बैठे ही, देश भर के सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, एनसीईआरटी सीआईटी की टेक्निकल टीम लगातार तत्पर है 24/7 घर बैठे ही सभी बच्चों टीचर्स तक ये क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही एक टूल आज आपके जरिए सभी टीचिंग फ्रेटर्निटी सीखेगी जिससे इस पैंडेमिक में आसान हो सकेगा उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करना। और इस सेशन को हम शुरू करें दर्शकों, उससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे, प्रदीप जी से अगर कुछ सवाल पूछना चाहें या कुछ जिज्ञासा आपकी हो तो हमारे टोल फ्री नंबर डायल करके आप हमें बता सकते हैं। नंबर रहेगा 8800554059। और इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, एनसीईआरटी ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सजेशन और कॉमेंट्स हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भेजे गए सभी प्रश्न और सवाल हम अपने एक्सपर्ट के साथ उनको डिस्कशन में लेकर आए। और एक और जरिया है जिसके थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं अपने सभी सवालों को, सजेशंस को मेल करें training@ciit.nic.in पर। तो ये सभी जरिए हैं हमसे संपर्क करने के। तो अब वक्त हो चला है आज के वेबिनार को शुरू करने का, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं। आज एक बार फिर से स्वागत करूंगी आपका प्रदीप नेगी जी। हाँ, तो सभी विवेक को मैं आज बताना चाहता हूँ कि H5P टूल्स का हम प्रयोग करेंगे ई सामग्री बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ई सामग्री आखिर होती क्या है। वीडियो, ऑडियो, इंफोग्राफिक, इंटरैक्टिव वीडियोस, गेम, इन सबको जोड़कर हम ई निर्माण सामग्री बनाते हैं। और ई निर्माण सामग्री का हम उपयोग क्यों करना चाहते हैं? हम इसका निर्माण इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमारा जो लेसन है, जो हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, उसको रुचिपूर्ण बना सकें। जब विद्यार्थी हमारे बनाए हुए ई कंटेंट सामग्री को देखता है, उसको एक्सेस करता है, या उसे खेल खेल में उसका प्रयोग करता है, या इंटरैक्टिव करता है उसके साथ, तो वो उसमें कुछ ना कुछ खेल के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है या रुचिपूर्ण तरीके से सीखने का प्रयास करता है। इसलिए H5 टूल एक हमें शिक्षकों को या अन्य जितने व्यूवर्स हैं उनको एक बहुत ही प्रभावशाली पावरफुल टूल देता है ताकि हम अपनी जो पाठ्यक्रम में जो कठिन हमारे संबोध होते हैं उनको हम इसमें रुचिपूर्ण तरीके से बना सकें। तो आगे इसमें हम बढ़ते हैं तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले कि H5P आखिर है क्या। तो H5P जावास्क्रिप्ट पर आधारित एक फ्री ओपन सोर्स है और इसका उद्देश्य HTML5 पर इंटरैक्टिव की सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। और साथ में हम उस सामग्री को दोबारा दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें इंटरैक्टिव वीडियो, प्रेजेंटेशन, क्विज, खेल, हॉटस्पॉट आदि सामग्री का निर्माण हम निःशुल्क कर सकते हैं। H5P.org एक सामुदायिक वेबसाइट भी है और इसमें लाइब्रेरी, एप्लीकेशन, ई सामग्री के विभिन्न प्रयोगों को हम साझा कर सकते हैं। H5 इंटरैक्टिव सामग्री का उपयोग कैनवास, ब्लैकबोर्ड, ड्रुपल, वर्डप्रेस, मूडल आदि सोशल प्लेटफॉर्म में भी किया जा सकता है। H5P में निर्मित सामग्री का उपयोग LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरी वेबसाइट में भी किया जा सकता है। H5 की कुछ विशेषताएं, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो इसके कुछ टूल्स, मतलब 70-80% टूल्स हमारे लिए निःशुल्क हैं और उनको साझा करना भी आसान है। इस सामग्री में पुनः उपयोग और संशोधन करना भी संभव है। एक बार हमने ई कंटेंट बना दिया तो हम उसको दोबारा संशोधित या अपग्रेड भी कर सकते हैं। मोबाइल, आजकल मोबाइल का बहुत अधिक बच्चे प्रयोग करते हैं,
और सबसे आसान तरीका ई कंटेंट को उसमें देखने का, तो उसके लिए भी ये अनुकूल है और उसमें हम आसानी से अपने ई कंटेंट शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों में ही हम इसमें कार्य कर सकते हैं। ऑनलाइन आप डायरेक्ट नेट पे इसमें उनकी वेबसाइट में कार्य कर सकते हो, और ऑफलाइन अपने सिस्टम को सर्वर बनाकर विभिन्न जो LMS होते हैं उनके माध्यम से आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। विभिन्न वेबसाइट में ई सामग्री को हम इसमें एम्बेड कोड की सहायता से स्थापित भी कर सकते हैं। तो ई सामग्री के इसमें विभिन्न प्रकार हैं, जैसे इसमें कोर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक, कॉलम, इमेज हॉटस्पॉट, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो ये सारी सामग्री हम इसमें निशुल्क बना सकते हैं। तो आज हम जो इस वेबिनार में आज जो हम सीखेंगे वो हमारा कई सारी सामग्रियों को जोड़ते हुए एक जो सामग्री है उसको हम निर्माण करना सीखेंगे, तो वो है कोर्स प्रेजेंटेशन। तो कोर्स प्रेजेंटेशन H5P का एक महत्वपूर्ण टूल है, इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके अंदर हम और क्या क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर और फॉर्मेटिंग करेंगे, इंसर्ट इमेज और अपलोड वीडियो भी इसमें अपलोड करेंगे, वीडियो और इंसर्ट इमेज भी करेंगे। साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर इसमें हम बनाना सीखेंगे, ट्रू फॉल्स सीखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स या समरी बनाना सीखेंगे, और लास्ट में फाइल कैसे सेव करते हैं, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं और एम्बिड कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले H5P.org को अगर हम गूगल क्रोम में लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो आप देख रहे हैं इसका हमारे को होम पेज यहाँ पर दिखाई देगा, इसका एड्रेस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस ये खुल जाएगा, यहाँ पे लॉगिन और क्रिएट अकाउंट है। तो आप जब सबसे पहले इसमें काम करेंगे तो आपको अकाउंट अपना क्रिएट करना होगा, क्योंकि मैंने इसमें अकाउंट बना रखा है तो मैं लॉगिन से डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करूंगा, ईमेल डालूंगा और अपना पासवर्ड लिखूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे कि एक पेज खुल जाएगा जिसमें माय अकाउंट, मेरा अकाउंट का एक पेज खुलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा नाम आया हुआ है और यहाँ पे मैंने कई सारे ई कंटेंट बना रखे हैं, तो मेरी जितनी भी फाइल सेव है वो H5P के अंदर सेव है। मैं जब चाहे यहाँ से डाउनलोड अपने सिस्टम में भी कर सकता हूँ और यहाँ से उसको एडिट भी कर सकता हूँ। इसके बाद ट्राई आउट H5P, यहाँ से हम नया कंटेंट बनाते हैं ट्राई आउट करने से। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज खुल जाएगा जिसमें ई कंटेंट की पूरी लिस्ट दी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले कोर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो आज हम इसी को बनाएंगे। इसके बाद मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक बहुत सारे हैं। तो ये कोर प्रेजेंटेशन का एडिटिंग वो है, क्या बोलते हैं, टूल। यहाँ पे ये यह पूरा का पूरा आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा सा ई कंटेंट यहाँ पर कोर प्रेजेंटेशन के अंदर बना सकें। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ से टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो टूल है, यहाँ से वीडियो को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर पूरा अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमें सेव कैसे करना है, तो सेव यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे हम सेव करेंगे तो सेव द फाइल, ये ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में सेव हो जाएगी फाइल। यहाँ पे देखिए फाइल सेव हो गई है। उसके बाद अगर हम इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं इस फाइल को, तो इसको रीयूज को हम जो क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे सिस्टम में यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इस फाइल को एम्बिड करना चाहते हैं किसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, या हमने खुद की वेबसाइट बनाई हुई वहां इसको हम एम्बेड कराना चाहते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी जो कोडिंग आएगी उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने एक वेबसाइट बना रखी जिसमें मैंने ये, आप देख रहे हैं कि ये वहां से एम्बेड कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको इस प्रकार फाइल किसी भी वेबसाइट में दिखाई देगी। और अगर आप मोबाइल में या किसी सोशल नेटवर्क साइट में जाकर इसको शेयर करना चाहते हैं अपने ई कंटेंट को, ऊपर का एड्रेस को आप सिलेक्ट करिए और शेयर कर सकते हैं डायरेक्ट, इससे फाइल डायरेक्ट शेयर हो जाएगी।
तो अब हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका देखेंगे कि हम कैसे अब इसमें निर्माण कार्य हम इसका करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले H5P लिखेंगे क्रोम ब्राउजर में या गूगल में, हम यहाँ पे जैसे लिखा आपने तो यहाँ देख रहे हैं H5 क्रिएट HTML यहाँ पे आ रहा है कंटेंट, इसका एड्रेस आ रहा है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर इसका इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें एग्जांपल डाउनलोड सब कुछ दिया हुआ है, लॉगिन और क्रिएट फ्री अकाउंट। अगर मैं क्रिएट फ्री अकाउंट में क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देखेंगे, क्योंकि यहां पे दिखाएगा नहीं यहां पे, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है। अगर मैंने अकाउंट नहीं बनाया, लॉग आउट करूंगा तब ये क्रिएट फ्री अकाउंट दिखाएगा। तो जैसे मैंने यहां लॉग इन किया, आप देख रहे हैं यहां पर इसका पेज खुल जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें अपना अकाउंट बनाया था 4 इयर्स 4 मंथ हो गए, तो 4 साल 4.5 साल के करीब इसमें मेरा अकाउंट को बने हुए हो गए हैं और तब से मैं लगातार इसमें कार्य कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्विक लिंक्स में ट्राई आउट H5P, अभी हम इसमें देखेंगे। फोरम में हम जा सकते हैं, यहाँ पे फोरम इनका जिसमें आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो कंटेंट है जो हमने मैंने यहाँ पे डेवलप कर रखे हैं, व्यू ऑल, व्यू ऑल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे कंटेंट दिखाई देंगे। जब भी आप कोई भी फाइल पे काम करोगे, कोई भी कंटेंट बनाओगे, उसको सेव करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इतने सारे हमने ई कंटेंट इसमें बना रखे हैं। तो जो कंटेंट मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगा तो उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं कि वो है किस प्रकार का। तो जैसे मैंने इसमें बनाया हुआ हिंदी में, हमारा सौर मंडल कक्षा 6 का जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उससे हमने देखकर ये ई कंटेंट बनाया। तो उसको हम क्लिक जैसे हम करेंगे तो आप देखेंगे इस समय व्यू मोड पे है, ये व्यू में हम केवल देख सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। जब एडिट में जाएंगे तब हम इसको एडिट करने का हमारे पास ऑप्शन होगा। अभी व्यू मोड है और यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा है हमारा सौर मंडल कक्षा 6 लेवल सब्जेक्ट सोशल साइंस। तो ये कोर प्रेजेंटेशन है। तो इसमें आपने देखा कि हमारा सौर मंडल और यहाँ पे सौर मंडल के बारे में हमने दिया हुआ और एक इमेज हमने सौर मंडल की इसमें लगाई हुई है और यहाँ पे कई सारी स्लाइड दिखाई दे रही है आपको। ये पहली स्लाइड है, इसमें टोटल 12 स्लाइड है। जैसे हम इसको दूसरी स्लाइड को क्लिक करेंगे तो दूसरा आ जाएगा सूर्य के बारे में कि सूर्य किस प्रकार का ग्रह है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसमें। तीसरे में पृथ्वी के बारे में आ जाएगी, चौथा हमने चंद्रमा के बारे में लिया है। इसके बाद हमने एक वीडियो क्लिप इसमें डाला है यहाँ पे, तो आप भी इसमें वीडियो क्लिप डाल सकते हैं। जैसे वीडियो सौर मंडल और उसके सभी नहीं पाता, ये दिन के समय में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात इतना गर्म होता है क्योंकि इसका वातावरण ये ना तो ज्यादा गर्म होता है मंगल या मार। तो एक शॉर्ट क्लिप जो कम से कम 15-16 MB की हो वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, वो अभी हम इसमें करना सीखेंगे। तो एक वीडियो क्लिप भी हमने इसमें डाली है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, एक क्विज इसमें छोटा सा क्वेश्चन, जितना हमने पढ़ा अभी तक उससे संबंधित हम कोई भी एक छोटा सा क्विज इसमें बना सकते हैं। जैसे सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो जैसे हम इसका आंसर बुध क्लिक करेंगे और यहां से हम चेक करेंगे अपना आंसर, तो ये मार्क्स भी दे देगा हमें, साथ साथ स्कोरिंग भी करेगा और हमारा आंसर भी बताएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे, दूसरा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी की रात को अपने परसिवरेंस रोवर से जेजेरा क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया, उस ग्रह का क्या नाम है, मतलब कहां पे हमने
अमेरिका ने एक रोबो को अभी इस समय भेजा अभी हाल ही में, तो जैसे हम इसमें आंसर ले लेते हैं मंगल, यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारा ये भी सही होगा। इस प्रकार हम इंटरैक्टिव इसमें क्विज भी बना सकते हैं, पर्सन भी बना सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो चाहे सिंगल भी हो सकते हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स यहाँ पे है, हम इसमें कोई भी आंसर लिख देते हैं, जैसे फॉल्स हमने लिख दिया, चेक कर लेते हैं, एक हमने जानबूझ के गलत किया तो एक में से हमारे को 0 मार्क्स मिले। यहां से हम सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि इसका आंसर ट्रू होना चाहिए था लेकिन हमने गलत कर दिया। इसके बाद फिर आगे चलेंगे, इसमें एक एक्टिविटी है जो हम बना सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। देयर आर, यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कीवर्ड्स भी दे दिए नीचे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए कोई भी वर्ड्स लिखने में, स्पेलिंग हो या अल्फाबेट स्मॉल या कैपिटल में हो। तो देयर आर 8 लिख देते हैं हम, जैसे देयर आर 8 प्लैनेट इन द यूनिवर्स, जो हमारा सबसे छोटा है हम इसमें गलत लिख देते हैं आंसर, एक वीनस, हॉटेस्ट हम इसमें लिख देते हैं मरकरी, लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर हो गया, ऐसी किसी में हम कुछ भी लिख सकते हैं गलत। इसमें हमने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी, इसमें भी हमने कुछ गलत स्पेलिंग लिख दी। उसके बाद हम यहां से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो हमारे सही हुए उसमें राइट का निशान और साथ में उसके बारे में आ जाएगा, और जो हमने गलत किए उसमें क्रॉस का निशान आ जाएगा, साथ में एक कटा हुआ निशान भी यहाँ पे दिखाई देगा अंडरलाइन इसके। तो आपने देखा कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, 6 में से हमारे 2 करेक्ट हुए थे, 2 मार्क्स आए हमारे इसमें। तो ये एक्टिविटी भी इसमें बनाई जा सकती है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। आगे हिंदी में भी हम इसको बना सकते हैं, इसको यूनिकोड में हम यहाँ पे लिख सकते हैं और बच्चे उसको कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको मोबाइल से कर रहे तो बच्चे बोल कर भी इसमें आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में समरी की, समरी के रूप में पूरा पार्ट हमने पढ़ाने के बाद समराइज करते हैं हम पार्ट को, तो कुछ इस तरह की चीजें दे देते हैं कि इसमें कौन सा कथन सही है, एक कथन सही होगा बाकी गलत होंगे, तो इन तीनों में से कोई एक कथन सही है। तो हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एक कथन सही है और ये राइट का निशान आ गया। इसको फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल आप देख रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस कि हमें कौन से एक्टिविटी में कितने मार्क्स मिले। मल्टीपल चॉइस में 1 मिला, दूसरे में 1 मिला, एक ट्रू फॉल्स हमारा गलत था, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें 2 मार्क्स मिले, हिंदी वाला हमने अटेम्प्ट भी नहीं किया इसलिए हमें 0 मार्क्स मिले, और लास्ट वाला हमारा सही था। तो पूरा ओवरऑल स्कोर भी इसमें आ जाता है। तो बच्चे जब अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो उनको इस प्रकार की एक्टिविटी करने में बड़ा मजा आएगा। तो ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा ई कंटेंट है जिसको कोर प्रेजेंटेशन बोला जाता है, और आप अपने जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की, अपनी क्लास की जो आखिरी पेज होते हैं जिसमें अभ्यास कार्य होता है, उसी को लेकर ये पूरी एक्टिविटी बनाई गई है। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि बच्चे इसमें कितना रुचि इसमें दिखा रहे हैं, और इसको मोबाइल के द्वारा भी शेयर किया जा सकता है जो मैंने पहले बताया था। अब हम इसको बनाएंगे तो मैं आपको बैक चलते हैं। तो बैक में हम सबसे पहले यहाँ पे बनाते कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्राई आउट, जब हम ट्राई आउट H5P को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट कंटेंट टाइप आ गया, यहाँ पर हमारे पास कई सारे कंटेंट आ रहे हैं यहाँ पे,
कोर्स प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग कॉलम फिल इन द ब्लैंक, तो हमें कोर प्रेजेंटेशन चुनना है। तो कोर प्रेजेंटेशन क्योंकि हम यहाँ से अगर इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे तो काफी समय लगेगा इसे बनाने में। यहाँ पे कोई भी हम लेसन लिख सकते हैं, जिस टॉपिक को हमें यहाँ पे डिफाइन करना। और ये जो आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर, ये पूरा इसका एडिटर टूल है जिसके अंदर आप ये काम करोगे। तो पहला यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट के बारे में हमें जैसे कोई चीज लिखनी हो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें कोई कोई भी चीज लिखनी हो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने लेसन का नाम कुछ भी लिख दिया या सोलर सिस्टम लिख दिया, अब हम यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ लिखना चाहते हैं। पहली स्लाइड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास नीचे स्लाइड एक है केवल, और यहां से हम ऐड नई स्लाइड कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो स्लाइड हो जाएंगी, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन स्लाइड हो जाएंगी। यहां से क्लोन एक ही स्लाइड की अगर हमें दोबारा आवश्यकता होती है तो हम उसकी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड बैकग्राउंड है जो इसके पीछे का कलर चेंज करता है। सपोज हमें पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड का अब अगर हमें कलर चेंज करना होते हैं, स्लाइड बैकग्राउंड हमें चेंज करना हो तो यहाँ पर हम कलर फिल बैकग्राउंड लेंगे। अगर आप टेम्पलेट में क्लिक कर देंगे तो पूरी स्लाइड जितनी की जितनी आप लोगे सारी एक ही कलर की हो जाएंगी। सपोज जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैंने इसको रेड कलर ले लिया तो आप देखेंगे कि पूरा बैकग्राउंड हमारा रेड हो गया। अब ये दूसरी स्लाइड में जाएंगे ये भी रेड हो जाएगा, तीसरी में जाएंगे ये भी रेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें टेम्पलेट ना लेकर हमें क्या लेना है, दिस स्लाइड, केवल पहली स्लाइड को हम रेड रखते हैं और दूसरी स्लाइड को अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे दिस स्लाइड में जाकर कलर फिल में जाएंगे और कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने येलो ले लिया। तब आप देख रहे हैं कि पहली स्लाइड रेड है, दूसरी येलो है, और अगर तीसरे स्लाइड को मेरे को दूसरा कलर करना है तो मैंने लाइट ग्रीन कर दी। और यहां से हम इसको बैक भी जा सकते हैं, इमेज बैकग्राउंड है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ये कलर पसंद नहीं आ रहा कोई, मैं इमेज यहाँ पे पूरी स्लाइड में लेके आऊं, तो आप यहां से इमेज बैकग्राउंड में जाकर भी पूरी स्लाइड को ला सकते। तो पहली स्लाइड में हम यहां पर आ गए हैं। अब पहली स्लाइड में आपने देखा ये टेक्स्ट एडिटर है, तो टेक्स्ट एडिटर को जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इसका पूरा इंटरफेस खुलेगा टेक्स्ट एडिटर का। तो यहां पर आप टेक्स्ट एडिटर में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर ये मैंने लिखा। इसको आप सेलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक या फॉर्मेटिंग हो कहीं से आपने कॉपी टेक्स्ट किया उसको भी यहां से रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बोल्ड करना हम यहां से बोल्ड कर लेंगे और यहां पर जाकर हेडिंग, आपको हेडिंग 2 लेंगे या हेडिंग 3 लेंगे तो इससे ये थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। यहां पे कलर है टेक्स्ट कलर और ये बैकग्राउंड है उसका कलर टेक्स्ट का। आपने सपोज ब्लू टेक्स्ट कलर ले लिया, यहां पे क्लिक करेंगे ब्लू हो जाए। यहां पे बुलेट्स हैं, अलाइनमेंट्स हैं, यहाँ पे हाइपरलिंक दिया हुआ है, किसी को अगर लिंक देना उसके बारे में दिया हुआ है, तो आप सारा कुछ इससे कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पे डन करना होगा। आप डन करेंगे आप जैसी तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लू है इसलिए ब्लू है। हम इसको दोबारा चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करा
और इसको हमने यहाँ से ब्लू की जगह ब्लैक कर लेते हैं, और इसको यहाँ से हम डन कर लेते हैं। तो आपने देखा कि ये आ गया। इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर टूल है, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। जब आपका कर्सर इस प्रकार दिखाई दे ट्रांसफॉर्मर की तरह, तो आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे हमें कोई इमेज लानी है, तो उसके लिए यहाँ पे दे रखा है इमेज। कोई भी इमेज अगर हमें यहाँ पे लानी है, तो इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें कुछ लिखना नहीं है इसमें, केवल हम क्या करेंगे यहाँ पे इमेज पूछ रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे ऐड। तो ऐड को जैसे आप क्लिक करोगे तो जो इमेज आपने जहां पर रखी होगी तो वहां से ये लेगा इमेज। तो मैंने जैसे डेस्कटॉप में ये इमेज रखी है, तो मेरे को यहां पे अर्थ की इमेज चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगा इसको और यहां पे ओपन कर दूंगा। जैसे मैं ओपन करूंगा इमेज अपलोड होनी शुरू हो जाएगी, और ये अपलोड हो गई। यहां से आप इसको एडिट भी कर सकते हो इमेज को। आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा एडिट करना है इस इमेज को, तो यहां पे क्लिक करिए और ये इमेज है, इसको यहां से क्रॉप कर सकते हैं आप। इस प्रकार आपने ये क्रॉप को कर लिया और यहां हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी क्रॉप हो गई इमेज। अब आप इसको डन करेंगे, जैसे डन करेंगे इमेज हमारी यहां पर आ जाएगी। इसको आप कहीं भी मूव करा सकते हैं, और यहीं से आप इसको फिर बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, स्मॉल और बिग। तो ये हमने पहली स्लाइड में इस प्रकार बनाया। अब दूसरी स्लाइड पे हम आ जाते हैं। हमने येलो रंग लिया ताकि जानबूझ के, ताकि आप पहचान पाए कि स्लाइड में अंतर आ रहा है। तो दूसरी स्लाइड है, इसमें हमें जैसे कोई वीडियो इंसर्ट करना है, सोलर सिस्टम का हमें कोई वीडियो इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहां पर अनटाइटल वीडियो का नाम भी लिख सकते हैं, सोलर सिस्टम और जैसे हम लिख दें यहां पे। और ये 16 MB क्या मैक्सिमम वीडियो को अपलोड कर सकता है, लेकिन अगर आपको इससे बड़ा वीडियो अपलोड करना है तो आप YouTube में जाकर या कहीं पे भी आपका जो वीडियो होगा उसका लिंक आप यहां दे सकते हैं, तो वो वीडियो यहां पर अपलोड हो जाएगा। इस समय हमें एक फाइल है हमारे पास, उसको हम यहां पे अपलोड करके दिखाते हैं। तो अपलोड ए फाइल वीडियो, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आ रहा है यहाँ पे वीडियो ऑन सोलर सिस्टम, ये 7 MB का है। इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा तो ये अपलोड होना यहाँ पे शुरू हो गया। और ये देखिए MP4 वीडियो ही इसमें अपलोड होगा, तो ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हो गया है, और यहाँ पर मैं डन कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे डन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड हो गया है। आप इसे कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। अब इसको स्मॉल बिग जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, और यहां से ये प्ले होना शुरू हो जाएगा जब आप इसको व्यू मोड पे देखेंगे। इसके बाद हम तीसरी स्लाइड में आते हैं। यहां पे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ये एक्टिविटी अभी हम करके दिखाएंगे, मल्टीपल चॉइस और ये ट्रू फॉल्स। तो पहले हम ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स को मैंने क्लिक करा तो आप यहां पे देख रहे हैं ट्रू फॉल्स आ गया। तो जैसे मैंने कोई भी काम, जब हम ई कंटेंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टोरी लिखनी होती है, उसके आधार पे ई कंटेंट बनाना आसान हो जाता है। उसको पहले हम डिफाइन कर लें कि मेरे को किस विषय में कितने चित्र की आवश्यकता है, कंटेंट मैं कहां से लूंगा और कौन कौन से मैं इसमें ई कंटेंट बनाऊंगा। मेरे को वीडियो की आवश्यकता है, किस प्रकार के ई कंटेंट की आवश्यकता है। अगर हम एक स्टोरी बनाकर अपना कार्य करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको एक राइटअप आप पहले से लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो
ऐसे ही मैंने जैसे वर्ड की फाइल में ये सारा लिखा हुआ है, ई कंटेंट बनाने से पहले इसको यूनिकोड में पहले कन्वर्ट करके रख लिया ताकि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूं और मेरे को कोई दिक्कत ना हो बनाने में, आसानी से ये काम हो जाए। तो इसमें जैसे एक्टिविटी थी अभी ट्रू फॉल्स वाली, तो मैं यहां से इसकी कॉपी कर लेता हूं कथन सही है कि गलत। तो यहाँ पे कंट्रोल सी मैंने कर लिया है और मैं उसके बाद यहाँ पे आऊंगा। ये आपको पता है कि ये ट्रू फॉल्स है एक्टिविटी। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पहले ही वर्ड की फाइल में यूनिकोड में अपना कंटेंट तैयार करके रखा है, वहीं से मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाला, क्योंकि यूनिकोड में यहाँ पे लिखने में बहुत दिक्कत आ जाती है। इंग्लिश में लिखना आसान होता है, हिंदी में लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो जैसे सनी सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है या सूरज से छठे स्थान पर है और सौर मंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, क्या यह कथन सही है गलत? अगर ट्रू हमें आंसर लिखना है तो हम इसका आंसर यहाँ पर ट्रू रखेंगे, पहले से डिफॉल्ट ट्रू रहता है। अगर आपको फॉल्स रखना तो फॉल्स रख सकते हो, लेकिन ट्रू हमने रखा है और हमें बाकी और इसमें कुछ नहीं करना। बिहेवियर सेटिंग में जाकर अगर आप चाहते हैं रीट्रे बटन कि बच्चे दोबारा आंसर चेक करें, दोबारा इसको सॉल्व करें, तो रीट्रे बटन आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो वो दिखाई देगा। अगर यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बटन दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार सो सॉल्यूशन, अगर आप चाहते हैं बच्चे देखें सॉल्यूशन क्या है इसका, उनका आंसर गलत हो गया, वो चाहते हैं मेरा आंसर क्यों गलत हुआ, मैं सही होना चाहिए, तो ये बटन एनेबल करेंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ से और भी सारी इसमें फॉर्मेटिंग है, आप इन सबको कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपका पर्सन का उत्तर गलत क्यों हुआ, उसका भी यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर गलत है तो दे सकते हैं, राइट है तो भी दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको डन कर लेंगे। जैसे डन करा आपने देखा कि एक्टिविटी हमारी यहाँ पे बन गई है, ये इसको इनलार्ज कर लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये ट्रू और फॉल्स दोनों आ गए, इसका आंसर ट्रू है। बाद में हम इसको जब करेंगे तो आपको इसका आंसर दिखाई देगा। इसके बाद अब आप इसके बाद है मल्टीपल चॉइस, तो हम यहाँ पर जाकर तीसरे के बाद हमें एक और स्लाइड की जरूरत है, तो हम न्यू ले लेते हैं। न्यू इसका हमें बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलेगा। और कोई स्लाइड अगर आपको पसंद नहीं आ रही, बीच में आप सोचते हैं एक्स्ट्रा बन गई है, तो आप यहां से डिलीट भी उसको कर सकते हैं। तो इसका स्लाइड का हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। लाइट ग्रीन हमने इसको ले लिया है और यहां पर हम एक एक्टिविटी बनाएंगे और ये हमने बना ली है। अब हम मल्टीपल चॉइस यहां पे बनाते हैं, या उससे पहले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटी यहां पे बता देता हूं। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स को क्लिक करेंगे तो ये फिल इन द ब्लैंक्स एडिटर में पहुंच जाएगा। यहां पे आप इसको डिलीट कर दीजिए इतने को, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया यहां पे। या यहां पे हम कोई टाइटल लिख सकते हैं, जैसे ये फिल इन द मिसिंग वर्ड, कंट्रोल सी करके हम यहां पर यहां पहले ही आ गया फिल इन द मिसिंग वर्ड, तो फिल इन द ब्लैंक्स ही रहने देते हैं, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो काम करना है वो मेन यहां पे करना है। इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है इन्होंने, तो यहां पे हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम यहां से पूरा का पूरा टेक्स्ट ले लेंगे क्योंकि हमें लिखने में बहुत समय लगेगा, तो हम यहां से पूरा का टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे। तो हमने पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लिया है और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा There are eight planets in the universe. तो वहां पर आपको स्टार निशान पहले लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में,
और उसके बाद आप स्टार के निशान यहाँ पे लगाओ। द मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो यहाँ पर भी आप एक स्टार लगा दोगे। उसके बाद सभी में जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए वहां पे आप स्टार लगा दोगे। और कीवर्ड्स आपकी मर्जी है, बच्चों को देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं देना चाहते वो आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे जाकर डन क्लिक करेंगे। जैसे आप डन क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई देगी। इसको हम यहां से बड़ा कर लेंगे, ये एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स की हम यहाँ पे बना ली है हमने। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें हम ये दिए फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो यहां से उनको करेक्ट स्पेलिंग अगर गलत होती है तो वो रॉन्ग दिखाएगा, इसलिए यहां से करेक्ट स्पेलिंग भी दे सकते हैं और यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद एक और एक्टिविटी आती है इसमें मल्टीपल चॉइस, तो इसके लिए हमें फिर एक स्लाइड और बनाएंगे। और इसको फिर हम कोई दूसरा कलर दे देते हैं, अब हमारे पास 5 स्लाइड हो गई हैं। पहली स्लाइड में हमने एक इमेज डाली थी, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा था। दूसरी स्लाइड में हमने एक वीडियो डाला। तीसरी स्लाइड में हमने ट्रू फॉल्स। फोर्थ स्लाइड में हमने मिसिंग वर्ड्स। और फिफ्थ स्लाइड में हम डालेंगे यहां पर आपका मल्टीपल चॉइस। अब जैसे मल्टीपल चॉइस को आप क्लिक करेंगे तो इसका मल्टीपल चॉइस का इंटरफेस खुलेगा। यहां पे आ रहा है मल्टीपल चॉइस। अब हम यहां पर फिर जहां पे हमने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है वहीं से हम मल्टीपल चॉइस के लिए कुछ बना सकते हैं। यहां पे ये है क्वेश्चन, इसको हम लिख सकते हैं बहुविकल्पीय पर्सन या मल्टीपल चॉइस। यहां से कंट्रोल सी करके हम जो मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है ये इसको हटा के आप हिंदी में भी यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं बहुविकल्पीय पर्सन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। यहां पे हम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के लिए फिर हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। सौर मंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, इसको हम यहां से सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेंगे। ये बोल्ड हो गया। यहां से हम और फॉर्मेटिंग है हेडिंग थ्री करेंगे तो और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको हेडिंग टू रखते हैं। इसके बाद ऑप्शन आएंगे, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या बहुविकल्पीय पर्सन में चॉइस होते हैं। तो पहला चॉइस आएगा यहाँ पे टेक्स्ट। यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है तो पहला ऑप्शन में हम क्या देंगे, तो जैसे हिंदी में मैंने लिखा यहाँ पे बुध, इसको कंट्रोल सी, यहाँ पे हम बुध कर देंगे कंट्रोल बी। तो पहला हमने जो टेक्स्ट दिया सौर मंडल का जो सबसे निकट का ग्रह है वो बुध है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो हम इसको करेक्ट में निशान लगाएंगे। हमने ऑप्शन को करेक्ट चुना है बुध। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देंगे एक और, जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हम दूसरा ऑप्शन दे देते हैं शुक्र ग्रह। ये शुक्र हो गया। जिसको हम करेक्ट नहीं करेंगे, जो हमारा सही होगा उसी को करेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन आए।
अगर आप चाहते हो कि मैं 3 या 4 ऑप्शन दूं या 5 ऑप्शन दूं, तो यहां से ऐड ऑप्शन पे जाके क्लिक करना होगा। तो ऐड ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन खुल गया हमारे पास, तीसरा। यहां पे जाकर हम पृथ्वी ले लेंगे और इसको लिख लेंगे कंट्रोल सी, और इसको यहां पे हम कंट्रोल वी करके सेव कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने 3 ऑप्शन दिए हैं। ये क्वेश्चन था हमारा, पहला अल्टरनेट आंसर हुआ जो हमने सही दिया है करेक्ट, दूसरा और तीसरा। इसके बाद आप और देना चाहो और दे सकते हो, लेकिन हम इसको और नहीं, और बिहेवियर सेटिंग मैंने पहले बताया था, यहां से आपको अगर बटन्स या और चीजें चाहिए तो आप यहां से एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन के आंसर रेंडमाइज हो, मतलब अपने आप उनके आंसर आगे पीछे बदले, जितने बार बच्चे उसको खोलेंगे तो उसके आंसर चेंज होके आएंगे, आगे पीछे होके आएंगे। स्कोर चाहिए बच्चों को, अगर स्कोर देखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे स्कोर आएगा, नहीं तो स्कोर नहीं आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे डन कर लेंगे। जैसे आप डन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक्टिविटियां बन गई है, इसको हम यहां से क्लिक करेंगे, मूव करके हम इसको नीचे लेंगे। ये हमारे आंसर बन गए सौर मंडल का, तो ये 3 ऑप्शन यहां पर बन गए। जब आपका ये पूरा हो जाएगा, अब आपने देखा कि आपकी लगभग 5 स्लाइड बन गई हैं, तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हो कि मेरी एक्टिविटी सेव हो जाए, और इसका फाइल का नाम सोलर सिस्टम हमने लिखा था। अब फाइल को सेव कैसे करते हो देखिए, यहां पे सेव ऑप्शन है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब ये सोलर सिस्टम फाइल सेव हो गई है। अब ये कैसे दिखाई देती है, ये देखिए, ये पहला स्लाइड आया, ये दूसरी जिसमें वीडियो हमने डाला था, यहाँ प्ले होगा सॉरी मंडल और उसके सभी। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ये ट्रू फॉल्स जो हमने बनाया था ट्रू, यहां से चेक कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, ये फिलिंदा ब्लैंक, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, काफी समय लगेगा इसमें। इसके बाद ये वाला, इसमें बुध आंसर हमने लिया था, ये हमारा सही हो गया। आगे जाके पूरा इसका असेसमेंट अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी करी, कितने मार्क्स गेन किए, उसका टोटल स्कोर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी एक कंटेंट इसमें बनाया जा सकता कोर प्रेजेंटेशन में, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेंगे और उनका असेसमेंट भी किया जा सकता है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि यहीं से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब दोबारा जाएंगे यहां पे एडिट करेंगे, तो ये एडिट के लिए फिर दोबारा अवेलेबल है। अब इसको दोबारा यहीं से दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें आप और स्लाइड जोड़ सकते हैं, डिलीट क्लोन बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी काम आप इससे कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखना चाहेंगे कि जो आपने फाइल बनाई वो कहां पे सेव है इस वक्त, तो इसको पहले सेव, क्योंकि हमने एडिट मोड में खोला था, सेव कर लेते हैं दोबारा। तो ये फाइल है, अब हम इसको बैक जाके हम देखेंगे कि ये फाइल हमारी कहां पे है। ये देखिए, ये फाइल यहां पर आ गई है, सोलर सिस्टम जो अभी हमने बनाई थी, क्रिएट करी सोलर सिस्टम, ये फाइल यहां पे, इसको जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो ये फाइल यहां पे खुल जाएगी। अब इस फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो रीयूज को क्लिक करेंगे आप, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड यहां से हो जाएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा
तो आप देख रहे हैं यहाँ मेरे सिस्टम में डाउनलोड होनी शुरू हो गई। इस फाइल को आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं सिस्टम में या किसी को भी सेंड कर सकते हैं इस फाइल को, लेकिन ये चलेगी केवल H5P पे ही। उसके बाद अगर आपको एम्बेड करना है अपनी फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्रदीप नेगी जी, अंतिम तो आप इसको एम्बेड कर सकते हैं आसानी से। तो आप यहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे ये एम्बेड आ रखा है, यहां से आप इसको क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। इसको अगर आप कॉपी करके 5 मिनट में हम जा रहे हैं आज के, इसके मैं चाहूंगी पहले आप डेमोंस्ट्रेशन पूरा कर लिए अगर तो करेंगे हम। हाँ ठीक, तो यहाँ पे हम इसको एम्बेड कर सकते हैं। और एम्बेड करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें मैंने ये कोड एम्बेड किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आसानी से प्ले हो रही है। इसको हम यहाँ से भी चला सकते हैं आसानी से। दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड आप देख रहे हैं, ये दूसरी प्लेटफॉर्म में जाके एम्बिट किया गया है। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार हम इसमें H5P के अंदर कोर प्रेजेंटेशन के माध्यम से शानदार ई कंटेंट बना सकते हैं। और केवल H5P नहीं, बहुत सारे इसमें टूल्स हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिस प्रकार मैंने किया है। वेल्कनो लेबलिंग है इसमें, जैसे आप इसमें हॉटस्पॉट लगा के भी कुछ बना सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करा तो आपको इसकी वीडियो दिखाई देगी। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करके हम पूछ सकते हैं क्या ये क्रिएटर है क्या है, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी इसमें बनाई जा सकती है। तो सबसे अच्छा जो ई कंटेंट डेवलप होता है कोर प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें आप वीडियो भी दे सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं, उसके अंतर्गत आप क्विज भी बना सकते हैं, राइट रॉन्ग फिल इन द ब्लैंक्स, वो एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। और असेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, हम उसको बना के बच्चों को शेयर कर सकते हैं। तो मैम प्रदीप जी, अब बिल्कुल अंतिम चरण में हम 2 मिनट में आ गए हैं आज के वेबिनार की। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, पर मुझे लगता है एक दो प्रश्न जो मैं यहाँ लेना चाहूंगी हमारे दर्शकों के द्वारा। एक सवाल आया है कि कितने मैक्सिमम साइज की प्रेजेंटेशन को सिस्टम पर सेव किया जा सकता है? इसमें अनलिमिटेड है, आप कितनी स्लाइड बना सकते हैं। केवल वीडियो के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वीडियो आप 15 या 16 MB का ही आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर यूट्यूब से डालोगे तो कितना भी टाइम का वीडियो वो डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अगला प्रश्न डॉक्टर रमेश शर्मा हमारे एक दर्शक है, वो आपसे जानना चाहते हैं क्या कोई स्पेसिफिक अमाउंट है जितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सेट किए जाए या कितना भी किया जाए, इज इट पॉसिबल टू सेट ऑल दीज क्वेश्चन ऑल टूगेदर? हाँ, ये सवाल सारे कर सकते हैं इसमें। आपने एक क्वेश्चन बनाया, दूसरा, तीसरा, अनलिमिटेड है, आप जितने चाहे इसमें क्वेश्चंस बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस या राइट रॉन्ग, जैसे भी आप इसका प्रयोग कर सभी प्रकार के सवाल सेट किए जा सकते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन में। और अंतिम चरण में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है इस तरीके के सॉफ्टवेयर या टूल ICT टूल्स को यूज करने के लिए हमें एक बेसिक वर्जन तो फ्री अवेलेबल होता है, एडवांस यूज करने के लिए हमें उसको परचेज करना पड़ता है, इस टूल के बारे में क्या है? इसमें भी थोड़ा इसी तरह है, पहले ये पूरा कम्प्लीटली फ्री था, लेकिन एक दो साल से इन्होंने क्या करा है कि कुछ जो एडवांस टूल हैं तो वो थोड़े पेड कर दिए हैं, वो 30 दिन के लिए फ्री होते हैं, उसके बाद वो पेड हो जाते हैं, लेकिन जो टूल्स मैंने आज आपको दिखाए वो सारे फ्री हैं, उसको आप जब चाहे काम कर सकते हैं। एक और आखिरी प्रश्न आखिरी मिनट में आपसे, जो सभी की जिज्ञासा होती है, क्या ये टूल ऑफलाइन मोड में भी यूज किया जा सकता है? हाँ, ये किया जा सकता है, लेकिन इसको LMS के माध्यम से या अपने लैपटॉप या सिस्टम को सर्वर बनाना पड़ेगा, या वर्डप्रेस या डुपल या आपका मूडल, इनको आप डाउनलोड करके प्लग इन कर सकते हो उसमें H5। जब आप प्लग इन करेंगे तब आप इसको ऑफलाइन कर पाएंगे, तो वो थोड़ा कठिन प्रक्रिया है।
तो चलिए यूज करते करते हमारे दर्शक सीख जाएंगे इसको। तो प्रदीप जी, मुझे लगता है आज आपने बहुत अच्छे से सभी सवालों को एड्रेस भी कर दिया हमारे यहाँ दर्शकों के। आज के इस वेबिनार के सत्र के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और आप दर्शकों कहीं ना जाएं, पीएम ईवीपी के साथ यूं ही बने रहें। अगले सेशन में गाइडेंस और काउंसलिंग की बात करेंगे सहयोग में। कहीं ना जाएं, बने रहें पीएम ईवीपी।